हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SSC एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो, अपने SSC एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और दोस्तों, उसी कड़ी के अंदर प्रीवियस वीडियो में अपनों ने ऑडिट कोड के चैप्टर नंबर 6 तक रिवाइज़ कर लिया था, राइट। तो दोस्तों, आज अपने चैप्टर नंबर 7 से लेके 100 ऑन डिस्कस करेंगे, राइट। और दोस्तों, ऑफिस कम्युनिकेशन के भी जो नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग है हमारा पेपर नंबर 3, उससे रिलेटेड भी दोस्तों मैटर भी तैयार है, राइट। तो उससे रिलेटेड वीडियो भी दोस्तों आज आपको मिल जाएगी, राइट। तो उस पर भी दोस्तों अपने चर्चा करेंगे, नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग पे भी, राइट। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं ऑडिट कोड का चैप्टर नंबर 7, पे एंड अलाउंसेज ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ठीक है। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में पे एंड अलाउंसेज था JCOR का, उससे प्रीवियस दोस्तों आर्मी ऑफिसर का, अब ओनली सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट्स का है। तो इस केस के अंदर क्या क्या बातें दी गई है, नो पे एंड अलाउंसेज विल बी पेड टू एन ऑफिसर बियॉन्ड द डेट ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ सुपर एनुएशन, ठीक है। तो दोस्तों, कोई भी सुपर एनुएशन की जिसकी एज हो गई, ठीक है, 60 साल की जिसकी एज हो गई, राइट, मतलब जिसकी 60 साल की एज हो गई, रिटायरमेंट की एज होगी, उसके बाद उसको कोई भी पे एंड अलाउंसेज नहीं दिया जाएगा, ठीक है, राइट, अनलेस ही सर्विसेज हैज़ बीन एक्सटेंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसकी सर्विस बढ़ा दी है तो बात अलग है, जनरली दोस्तों ये नहीं दिया जाता। इट विल बी इंश्योर्ड दैट फाइनल पेमेंट इज़ मेड आफ्टर द क्लियरेंस ऑफ ऑल गवर्नमेंट ड्यूज। और दोस्तों, ये भी देखा जाता है कि गवर्नमेंट की अगर कोई भी पैसा अगर इंडिविजुअल को देना था, गवर्नमेंट का कोई भी ड्यूज़ था, उसकी क्लियरेंस होने के बाद ही दोस्तों उसको क्या है दोस्तों, उससे रिलेटेड जो सारे काम हैं, उसकी जो फाइनल पेमेंट है वो उसको दी जाए, राइट। अब दोस्तों, इसका जो नोट है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल जो क्या है प्रीवियस एग्जामिनेशन के अंदर पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, नोट में क्या दिया गया है, इन द केस ऑफ एन ऑफिसर हुज ईयर एंड मंथ ऑफ बर्थ इज़ नॉन बट नॉट द एग्जैक्ट डेट। अगर दोस्तों आपको एग्जैक्ट डेट नहीं पता, आपको साल पता है और आपको साल या महीना पता है, लेकिन दोस्तों एग्जैक्ट डेट अगर आपको नहीं पता तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, ठीक है। तो दोस्तों दो केस हो गए, अगर आपको ईयर पता है, ठीक है, मंथ और डेट नहीं पता, तो आप दोस्तों 1 जुलाई मान लो उसकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, राइट। अगर आपको दोस्तों साल पता है, मंथ और डेट नहीं पता, तो आप क्या करोगे, 1 जुलाई मान लो। अगर दोस्तों आपको साल भी पता है, मंथ भी पता है, डेट नहीं पता, तो दोस्तों उस महीने की 16 तारीख को आप उसका डेट ऑफ बर्थ मान सकते हो, राइट। यहाँ पर मैं दोस्तों एग्जांपल लूँ, मान लो 2023 है किसी का, ठीक है, और आपको उसका नहीं पता कि भाई डेट ऑफ बर्थ आपको उसका नहीं पता, राइट। तो 2023 के अंदर दोस्तों उसको मान लो रिटायरमेंट होना है या जो भी आपको उसकी पता करनी है, राइट, तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, 1 जुलाई को उसका सारा काम कर दो, राइट। लेकिन दोस्तों अगर आपको मंथ भी पता है, ठीक है, मान लो नवंबर है, राइट, 2023 है, ठीक है, तो उसके केस में अगर आपको तारीख नहीं पता तो आप 16 नवंबर मान लोगे, 16 तारीख उस महीने की, ठीक है, उसकी डेट ऑफ बर्थ मानी जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द डेट ऑन विच ही शुड बी हेल्ड टू हैव अटेंड द एज ऑफ सुपर एनुएशन, ठीक है। तो उसकी दोस्तों रिटायरमेंट की एज ज्ञात करने के लिए, राइट, तो ये तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द डेट, दोस्तों किस पर्पज के लिए डेट ज्ञात करनी है, ऑन विच ही शुड बी हेल्ड टू हैव अटेन द एज ऑफ सुपर एनुएशन, उसने रिटायरमेंट की एज प्राप्त कर ली है, राइट। तो ये हो दोस्तों मेरा पैरा नंबर 195, आगे चलिए। अगला देखिए दोस्तों, सर्विस बुक के बारे में बात कर रहा है ये 199 पैरा के अंदर, सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल सिविलियन। अब दोस्तों सर्विस बुक क्या है, सर जिसका सर्विस रिकॉर्ड है, मेरी सर्विस बुक दोस्तों कहाँ रहती है, मेरे कंट्रोलर के अंदर, राइट। तो दोस्तों जैसे ही ये सिविलियन जो गैजेटेड सर्वेंट है, राइट, तो इनकी कहाँ रहेगी, ठीक है, सर्विस बुक तो इनकी दोस्तों कहाँ रहेगी, इसके बारे में इसमें बताया गया है। तो इस पैरा में क्या बोला गया है, 199 में क्या बोला गया है, सर्विस बुक्स, ठीक है। तो दोस्तों सर्विस बुक चुकी इसके सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ और सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज शैल बी मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस या फॉर्मेशन, ठीक है। तो दोस्तों मेरी सर्विस बुक कहाँ रहती है, मेरे कंट्रोलर में रहती है, ठीक है, जिस कमांड के अंदर मैं काम कर रहा हूँ वो मेरी सर्विस बुक मेंटेन करता है, उसका दोस्तों एडमिन सेक्शन मेंटेन करता है, राइट। इसी प्रकार के दोस्तों सिविलियन गैजेटेड ऑफिसर जो है डिफेंस सर्विसेज के, उनकी कहाँ रहेगी, हेड ऑफ द ऑफिस या फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बोल दिया, सर्विस रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ग्रुप ए ग्रुप बी सिविलियन ऑफिसर्स ऑफ MES शैल बी मेंटेन्ड सेंट्रली बाय द सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस ऑफिसर्स दिल्ली, ठीक है। और दोस्तों सर्विस रिकॉर्ड है ग्रुप ए और ग्रुप बी सिविलियन ऑफिसर का जो MES के हैं पर्टिकुलर, इसने बता दिया, तो उनकी दोस्तों कहाँ होगी, सेंट्रली मेंटेन होगी, सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस के अंदर, ऑफिसर्स दिल्ली के अंदर। और जो दोस्तों किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में काम करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का मतलब क्या है दोस्तों, वहाँ पे उनका कंट्रोल रहता है, होल्ड रहता है, ठीक है। उनका एडमिन कौन है दोस्तों, वो है कौन है दोस्तों, ENC ब्रांच ऑफ IHQF MOD आर्मी न्यू दिल्ली। दोस्तों जो इंजीनियरिंग इन चीफ ब्रांच जो है
इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर MOD आर्मी की न्यू दिल्ली की, ठीक है, वो दोस्तों क्या है ये काम देखती है। और दोस्तों एक खास बात आपको ध्यान रखनी है कि ENC ब्रांच जो है, अब दोस्तों डिफेंस सर्विस एस्टीमेट के जो अपेंडिक्स जो दिए गए हैं उनके अंदर आर्मी की दोस्तों जो जो ब्रांचेस है ENC ब्रांच उसके अंदर क्या काम करती है, इस प्रकार के सवाल दोस्तों डेफिनेटली पूछे जाएंगे, तो उसका दोस्तों आपको याद करना ही पड़ेगा। तो सारी ब्रांचेस के दोस्तों नाम और सबका क्या क्या काम है वो आपके दो नंबर पक्के कर देगी, राइट। तो दोस्तों उसकी भी अपने कभी एक दो चार दिनों में उसकी भी एक वीडियो अलग से अपने बनाएंगे, राइट। तो आगे चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 8। अब दोस्तों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे MCQs बनते हैं, ठीक है दोस्तों। जो जो MCQs बनते हैं प्रोसीजर मैंने नहीं लिया है, लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट MCQs जो हैं जो सिंगल लाइन के अंदर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, वो सारे मैंने इसके अंदर इंक्लूड करे हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपने ट्रैवलिंग अलाउंस एंड अदर कन्वीनियंस चार्जेस, ठीक है। ट्रैवलिंग अलाउंस दोस्तों TA और कोई और कन्वीनियंस चार्जेस हैं तो उनसे रिलेटेड क्या क्या एडजस्टमेंट होगा, कौन उसको वहन करेगा, ठीक है, तो वो सारी बातें जो क्या इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। पहला देखिए दोस्तों एयर पैसेजेस टू फ्रॉम आउटसाइड इंडियन लिमिट्स। दोस्तों एयर पैसेज का मतलब क्या हुआ, एयर पैसेज का मतलब क्या हुआ, हवाई यात्रा करनी है टू या फ्रॉम आउटसाइड इंडिया लिमिट्स, या तो दोस्तों बाहर से आ रहे हो या बाहर से या यहाँ से जाओगे, टू या फ्रॉम, ठीक है, आउटसाइड इंडियन लिमिट्स। तो दोस्तों इंडिया से बाहर जाते हो तो उसके इसके अंदर क्या होगा, इंडिया के अंदर होगा तो दोस्तों क्या है आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपको सैंक्शन दे देगी, लेकिन दोस्तों बाहर जब आप जाते हो तो उसके इसके अंदर क्या है अलग सीनेरियो है। पैरा नंबर दोस्तों 168 प्रीवियस किताब के अंदर दोस्तों पैरा नंबर 242। तो इसके अंदर देखिए क्या दिया गया है, ऑल एयर पैसेजेस एक्स इंडिया, सभी प्रकार के हवाई यात्रा इंडिया से बाहर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द ऑथराइज रेगुलेशंस, या तो दोस्तों वो जो हवाई यात्राएँ हैं किसी ने किसी ऑथराइज रेगुलेशन मतलब वो ऑथराइज है या तो, ठीक है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर इन द ऑथराइज रेगुलेशंस, या तो दोस्तों ऑथराइज है या और अंडर ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट, या उन पे कोई गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि आप चले जाओ, राइट। अगर दोस्तों ऐसा नहीं है तो ऑल एयर पैसेजेस एक्स इंडिया इनको छोड़कर रिक्वायर द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको दोस्तों गवर्नमेंट की प्रायर सेंक्शन चाहिए। अब दोस्तों ये सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है, अगर आपको इंडिया से बाहर यात्रा करनी है तो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की प्रायर सेंक्शन चाहिए, ठीक है। दूसरा दोस्तों क्लेम्स रिलेटिंग टू एयर पैसेज ऑफ आर्मी पर्सनल डिफेंस सिविलियंस एक्स इंडिया आर डेल्ट विद सेंट्रली बाय द PCDA न्यू दिल्ली। और दोस्तों आर्मी पर्सनल के केस में, डिफेंस सिविलियंस के केस में, उनके जो भी हवाई यात्राओं के क्लेम होंगे जो एक्स इंडिया से रिलेटेड है उनको दोस्तों PCDA न्यू दिल्ली में सेंट्रली क्या करने का डील करा जाएगा, ये भी दोस्तों एक लाइन का सवाल बनता है, ठीक है। सारे क्लेम दोस्तों एयर पैसेज के, हवाई यात्राओं के, आर्मी पर्सनल और दोस्तों डिफेंस सिविलियन के PCDA न्यू दिल्ली के अंदर सेंट्रली डील होते हैं। दूसरा दोस्तों नेवी के केस में ये सारे क्लेम्स जो होंगे नेवी पर्सनल के केस में जो PCDA नेवी करेगा, और दोस्तों एयरफोर्स के केस में PCDA एयरफोर्स से करेगा, ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। आगे चलिए एयर फ्रेट विद इन इंडियन लिमिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे तो लोगों की बात कर दी, यहाँ पे सामान की बात करी है, स्टोर की बात करी है। अगर दोस्तों आपको स्टोर का मूवमेंट करना है एक जगह से दूसरे जगह पर, ठीक है, इंडिया की लिमिट्स के अंदर ही, तो किन की सेंक्शन चाहिए, क्या क्या चीज़ें होगी, ऑल मूवमेंट्स ऑफ स्टोर बाई एयर। दोस्तों एयर से आपको सामान पहुँचाना है एक जगह से दूसरी जगह पर विद इन इंडियन लिमिट्स, इंडिया की लिमिट के अंदर ही, एक्सेप्ट दोज द अर्जेंट मूवमेंट ऑफ विच द एयर इज़ एसेंशियल ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और फॉर ऑपरेशन रीजंस, ठीक है। अगर दोस्तों अर्जेंट कोई केस है जिसमें आपको एयर की ज़रूरत है, ठीक है, और उस या तो मेडिकल ग्राउंड पे है या कोई भी ऑपरेशंस रीजंस पे हैं, ठीक है, मान लो कोई भी लड़ाई छिड़ गई, ठीक है, या कोई और ऑपरेशन डिफेंस सर्विसेज कर रही है, तो उन केसेस में छोड़ के बाकी सारे केसेस को लिए के लिए जो मूवमेंट होगा स्टोर का एयर के द्वारा रिक्वायर द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उसके लिए भी दोस्तों आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन चाहिए। यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन, यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन, यहाँ पे PCDA न्यू दिल्ली, आर्मी पर्सनल डिफेंस नेवी के केस में PCDA नेवी एयरफोर्स, PCDA एयरफोर्स, और दोस्तों इनको छोड़ के अर्जेंट मूवमेंट है अगर मेडिकल ग्राउंड पे या ऑपरेशन रीजंस पे, तो उस केस के अंदर दोस्तों ये रूल लागू नहीं होगा। फिर दोस्तों भले ही वो जा सकते हैं मे बी, राइट, प्रोविजनली दोस्तों सोच सकते हैं कि बाद में सेंक्शन ले लेंगे, पोस्ट सेंक्शन ले लेंगे, लेकिन दोस्तों बाकी केस के अंदर प्रायर सेंक्शन चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए फ्रेंड्स, गवर्नमेंट सेंक्शन और इन द केस ऑफ स्टोर्स डिस्पैच्ड बाय एयर ऑन मेडिकल ग्राउंड्स और फॉर ऑपरेशनल रीजंस बाय ए सर्टिफिकेट इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म साइंड बाय एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ब्रिगेडियर एज टू द अर्जेंसी ऑफ द डिस्पैच बाय एयर, ठीक है। दोस्तों गवर्नमेंट सेंक्शन आएगी तो ठीक है, बात कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या है सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाओ विद इन इंडियन लिमिट्स के अंदर, ठीक है, विद इन इंडियन लिमिट्स के अंदर दोस्तों एक जगह से दूसरे जगह पर सामान ले आओ अगर आपके पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन है। अगर दोस्तों नहीं है, कोई ऐसा केस आ जाता है
है, आपको डिस्पैच करना है सामान एयर से मेडिकल ग्राउंड पे या दोस्तों ऑपरेशन रीजंस पे, तो उस केस के अंदर दोस्तों सर्टिफिकेट देना पड़ेगा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में। साइन कौन करेगा दोस्तों? ब्रिगेडियर रैंक तक का बंदा, ब्रिगेडियर साइंड बाय द एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ द ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर से दोस्तों नीचे की रैंक का बंदा साइन नहीं करेगा, ब्रिगेडियर या ब्रिगेडियर से अबव रैंक का बंदा अगर साइन कर देगा तो दोस्तों एज टू द अर्जेंसी फॉर डिस्पैच बाय एयर, तो उस केस में दोस्तों बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन के ये सारा काम करा जा सकता है इन केसेस के अंदर, मेडिकल ग्राउंड और ऑपरेशन रीजन पे। साइन कौन करेगा दोस्तों? ब्रिगेडियर, राइट। अगला है दोस्तों एयर फ्रेट टू और फ्रॉम आउटसाइड इंडिया लिमिट्स। पहले तो बता दिया दोस्तों इंडिया की लिमिट के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन चाहिए एक्सेप्ट दीज केसेस। अब बता दिया दोस्तों आउटसाइड इंडिया लिमिट्स। अब आउटसाइड इंडिया लिमिट्स के अंदर दोस्तों क्या होगा? डिस्पैच टू एक्स इंडिया स्टोर। अब पहले बोल दिया सामान को भेजना है, अगली बार है दोस्तों इंपोर्टेड स्टोर, अगली बार बोल दिया दोस्तों सामान को लेके आना है। तो डिस्पैच ऑफ स्टोर्स पैरा नंबर दोस्तों 172 है, पुरानी किताब के अंदर 247 है। डिस्पैच ऑफ स्टोर्स एक्स इंडिया रिक्वायर्स द प्रायर सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके अंदर भी क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन चाहिएगी, ठीक है। अब दोस्तों क्लेम्स कैसे सेटल होते हैं वो सारी चीज़ें दोस्तों इंटरनल मैटर जो है वो किताब के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो वो दोस्तों आप देख सकते हो, राइट, कि कैसे कैसे ट्रांजेक्शन सेटल आउट होंगी, राइट। वो दोस्तों प्रोसेस है, एक होता है दोस्तों प्रोसेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, एक दोस्तों फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना, ठीक है। तो ये दोस्तों मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। 173 देखिए दोस्तों, क्लेम्स सबमिटेड बाय एयरलाइंस कंसर्न ऑन अकाउंट ऑफ एयर फ्रेट इन रेस्पेक्ट ऑफ आर्मी स्टोर डिस्पैच्ड एक्स इंडिया आर डील्ड सेंट्रली बाय द पीसीडी न्यू दिल्ली एंड ऑडिटेड बाय देम। अब दोस्तों मैंने ये भी बता दिया कि जो डिस्पैच होगा स्टोर्स का एक्स इंडिया, पहले तो बोल दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन ले ली, ठीक। अब दोस्तों जो एयरलाइंस हैं वो क्लेम सबमिट करेगी कि हाँ भैया हम तो सामान लेके गए हैं इधर, ठीक है, दूसरे देश के अंदर, तो हमें पैसा चाहिए सारा, ठीक है। तो दोस्तों उस केस के अंदर क्लेम सबमिटेड बाय एयरलाइंस कंसर्न ऑन अकाउंट ऑफ एयर फ्रेट, ठीक है। तो दोस्तों जो माल भाड़ा वो लेके गए हैं दूसरे देश के अंदर, एक्स इंडिया लेके गए हैं, आर्मी स्टोर के केस में दोस्तों जो आर्मी का स्टोर उन्होंने एक्स इंडिया डिस्पैच किया है वो दोस्तों पीसीडी न्यू दिल्ली के अंदर और ऑडिट उन्हीं के द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। क्लेम भी और ऑडिट भी दोनों क्या है दोस्तों? पीसीडी न्यू दिल्ली करेगी। अगला देखिए दोस्तों इंपोर्टेड स्टोर की बात करता है ये। अगला देखिए दोस्तों 249 नई किताब में दोस्तों 174 नंबर पैरा है, इंपोर्टेड स्टोर की बात करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टोर्स फ्रॉम अब्रॉड टू इंडिया बाय एयर रिक्वायर्स द स्पेशल सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्पेशल सेंक्शन आपको चाहिए, राइट। तो ये हुआ दोस्तों मेरा चैप्टर नंबर 8। अब चलिए दोस्तों चैप्टर नंबर 9 के अंदर। चैप्टर नंबर 9 दोस्तों इसके अंदर जो मेनली जो फैक्चुअल बातें जो थी, राइट, और दोस्तों जो नॉन रिकरिंग पेमेंट से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो इसके अंदर 2 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर, 1 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर, 1 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर जो थे, ये फैक्ट है, आप इसको याद रख सकते हो। बाकी दोस्तों जो इसको अगर डिटेल में पढ़ना है तो प्रीवियस अपना ऑडिट कोड का वीडियो आप देख लीजिए, राइट। अभी के लिए दोस्तों मैं इतना ही आपको बताना चाहूँगा। तो यूनिट अलाउंसेज दोस्तों कंटिजेंट एंड मिसलिनियस एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये चैप्टर है, ठीक है। कोई क्या यूनिट के अलाउंसेज है, कोई कंटिजेंट, कोई आकस्मिक का खर्चा आ गया, कोई मिसलिनियस टाइप का खर्चा आ गया, ठीक है, राइट। तो नॉन रिकरिंग पेमेंट सेंक्शन बाय द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ नेवी एयरफोर्स स्टाफ, तो इसके अंदर दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2 करोड़, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ 1 करोड़, चीफ ऑफ एयर स्टाफ दोस्तों 1 करोड़ पर फाइनेंशियल ले चुका है दोस्तों। बहुत सारे मान लो इनको क्या है दोस्तों? खर्चा करने की पावर दी गई है, राइट। तो ये साल भर के अंदर दोस्तों इतने प्रकार का खर्चा ये कर सकते हैं, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों चैप्टर नंबर 10 है कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपेंडिचर ऑन सप्लाईज एंड हायर्ड लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट के बारे में चर्चा होगी दोस्तों, सप्लाईज पे जो एक्सपेंडिचर होगा और हायर्ड लैंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। कोई भी सिविल गाड़ी दोस्तों अगर हायर करते हो, क्योंकि सरकारी गाड़ी का खर्चा ज़्यादा हो रहा है, ठीक, तो उसके इसके अंदर कुछ बातें इसके अंदर दी गई है। सबसे पहले देखिए दोस्तों पैरा नंबर 205 जो है पुरानी किताब के अंदर 294 था, इसका नोट दिया गया है। इसके अंदर सेंक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल बी नेसेसरी टू कंक्लूड ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर ए पीरियड बियॉन्ड 3 ईयर्स, 3 साल से ज़्यादा दोस्तों अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो इसमें आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सेंक्शन चाहिए, ठीक है। और दोस्तों पैरा नंबर 246 जो FR थी हमारा, उसके अंदर भी कुछ अपने सेम बातें पढ़ी थी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, राइट। तो दोस्तों पैरा नंबर 246 के अंदर FR1 के अंदर पार्ट 1 वॉल्यूम 1 के अंदर उन्होंने क्या क्या बातें देखी थी। कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मली 12 मंथ के लिए होता है, कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों नॉर्मली क्या होगा, 1 साल के लिए होता है। कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों अगर 1 साल से बढ़ेगा 3 साल तक होगा तो उसके लिए सेंक्शन चाहिए आपको, सेंक्शन चाहिएगी आपको नेक्स्ट हायर अथॉरिटी की। अगर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट 1 साल से बढ़ता है 3 साल तक, 1 से 3 साल के लिए आपको सेंक्शन ऑफ हायर अथॉरिटी की आपको चाहिए, ठीक है। अगर दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट 3 साल से बढ़ता है, 3 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको करना है तो सेंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये 3 दोस्तों चीज़ें आपको याद रखनी है, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों FR के अंदर भी दिया गया है, ऑडिट कोड के अंदर भी दिया गया है। और दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम के लिए होगा, कॉन्ट्रैक्ट अपने आप में दोस्तों एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इस
तीनों बातों से एक सवाल क्या पता आपसे पूछ ले, या तो दोस्तों 3 साल से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूछ ले, या दोस्तों थोड़ा सा उसको अगर मान लो थोड़ा सा मुश्किल अगर इसको करना होगा तो दोस्तों बीच वाला पूछ लेगा। क्योंकि दोस्तों नॉर्मली 12 मंथ सबको पता है, 3 साल से ज़्यादा सबको पता है, लेकिन 1 साल से 3 साल के बीच में ये चीज़ आप भूल जाओगे। इसलिए दोस्तों 1 साल से 3 साल के बीच में नेक्स्ट हायर अथॉरिटी जो क्या है उसकी सेंक्शन उसको चाहिए जो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर मोर देन 1 ईयर शुड ऑल्सो बी सेंट टू DGADS। ठीक है, अब दोस्तों स्क्रूटनी के लिए जो है डायरेक्टर जनरल ऑडिट डिफेंस सर्विसेज को 1 साल से ज़्यादा के अगर आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उसको भी भेजे जाते हैं, जो CAG का सबऑर्डिनेट ऑफिसर हमारे डिपार्टमेंट के अंदर है। ठीक है, उसको भी क्या करा जाता है दोस्तों, ये 1 साल से ज़्यादा वाले कॉन्ट्रैक्ट उसको भेजे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, PCDCD है पावर टू एग्जामिन कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटी एनी केसेस वेयर हाई टेंडर्स हैव बीन एक्सेप्टेड और वेयर एनी अदर इरेगुलरिटी इन प्रोसीजर हैव कम टू लाइट। और दोस्तों PCDCD को फुल पावर दी गई है कि वो एग्जामिन करे जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो करते हैं डिफेंस सर्विसेज वाले, राइट, एंड टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द प्रॉपर अथॉरिटी। और दोस्तों प्रॉपर अथॉरिटी के क्या करें, नोटिस में लाए कोई भी केसेज किससे रिलेटेड दोस्तों, जहाँ पे हाई टेंडर एक्सेप्ट कर लिए, कोई बोल रहा था मैं 100 रुपया में काम कर दूंगा, डिफेंस सर्विसेज ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मैं तो 150 रुपये वाले को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उसने। ठीक है, तो वो सारे केसेस हुए, या दोस्तों कोई अदर इरेगुलरिटी हुई। ठीक है, तो मान लो कोई भी अदर इरेगुलरिटी हुई तो भी वो सारा काम भी जो है दोस्तों PCDCDA का है कि प्रॉपर अथॉरिटी के लाइमलाइट में वो लाए, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ टेंडर्स। ठीक है, तो दोस्तों टेंडर जब भी आएंगे उसमें कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है। ठीक है, तो दोस्तों इसको CST भी बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। इसके अंदर दोस्तों सारे जो टेंडर्स होंगे उनमें कंपैरिजन किया जाएगा, हाँ कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, कौन L1 है कौन L2 है कौन L3 है, लोवेस्ट कौन सा है, इससे ज़्यादा वाला कौन सा है। ठीक है, इस फर्म की क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इस प्रकार से दोस्तों क्या है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है कंपैरिजन करने के लिए। ठीक है, दो स्टूडेंट में दोस्तों मुझे कंपैरिजन करना है कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, उसके गुणों के आधार पर, राइट, उसके जो दोस्तों क्लास में को कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ों से दोस्तों क्या हम कंपैरिजन करते हैं। तो दोस्तों 10 नंबर पैरा के अंदर क्या बताया गया था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ टेंडर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ ASC कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू द PCDCD फॉर प्रायर स्क्रूटनी। ठीक है दोस्तों, जो भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनेगा टेंडर्स का, आर्मी सर्विस कोर या सप्लाई कोर जो है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है मेनली, ठीक है, उससे रिलेटेड दोस्तों जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको सबमिट करा जाएगा PCDCD को प्रायर स्क्रूटनी के लिए। दोबारा सुनिए दोस्तों, जो भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनेगा टेंडर्स का ASC कॉन्ट्रैक्ट के केस में, ठीक है, उसको दोस्तों PCDCD को सबमिट करा जाएगा प्रायर स्क्रूटनी के लिए। ठीक है, इरिस्पेक्टिव द नेचर वैल्यू और पीरियड ऑफ द प्रपोज्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कितने भी वैल्यू का हो, कोई सी भी नेचर का हो, कितने भी पीरियड के लिए हो, PCDCD दोस्तों उसकी प्रायर स्क्रूटनी करेगा ASC से रिलेटेड। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, पॉइंट ऑब्जर्व इन डीलिंग विद कंपैरेटिव स्टेटमेंट। और दोस्तों PCDCD क्या देखेगा, क्या देखेगा दोस्तों PCDCD की, हाँ भैया टेंडर तो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसको प्रायर स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट्स भी आ गए, तो वो देखेगा दोस्तों ए यूनिफॉर्म फी ऑफ ₹100 फॉर टेंडर्स इशूड बाय द ASC इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन चार्ज्ड फ्रॉम ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स। तो ये देखेगा दोस्तों, जब वो भी टेंडर इशू करते हैं तो एक मिनिमम अमाउंट जो क्या है वो कॉन्ट्रैक्टर से ली जाती है। ठीक है, तो वो दोस्तों देखेगा। और भी दोस्तों बहुत सारी तरीके की बातें हैं, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो किए गए हैं, मेनली दोस्तों जहाँ पे जो फैक्ट था ये मैंने इसके अंदर इंक्लूड किया है। ठीक है, और भी दोस्तों इसके साथ किताब में और बहुत बातें लिखी हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉइंट करके, लेकिन दोस्तों ये 100 रुपये वाली बात जो क्या है ये फैक्ट है, तो ये क्या है हमसे पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है दोस्तों, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, PCDCD जब ASC कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कंपैरेटिव स्टेटमेंट की स्क्रूटनी करते हैं तो एक यूनिफॉर्म फ़ी जो है कॉन्ट्रैक्टर से रिसीव करी जाती है, तो उस यूनिफॉर्म फ़ी की अमाउंट कितनी है, तो वो कितनी आ जाएगी दोस्तों 100 रुपया, यूनिफॉर्म फ़ी ऑफ ₹100 फॉर द टेंडर्स इशूड बाय द ASC इन रेस्पेक्ट ऑफ ईच कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में जो टेंडर की अमाउंट होगी, टेंडर की फीस होगी 100 रुपया, कितनी वो क्या है सबसे दोस्तों चार्ज होनी चाहिए, एंड द नंबर एंड डेट ऑफ द ट्रेजरी रिसिप्ट पोस्टल ऑर्डर रिसिप्ट अंडर विच द फीस वॉज डिपॉजिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर हैज बीन रिकॉर्डेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑन द टॉप ऑफ द टेंडर फॉर्म। और दोस्तों जो टेंडर का फॉर्म होगा, 100 रुपया की जो फीस उसने भाई ने जमा करवाई है, ठीक है, उसका दोस्तों रिसिप्ट नंबर, पोस्टल ऑर्डर नंबर वगैरह सारी चीज़ें जो क्या है टेंडर फॉर्म के ऊपर उसको मेंशन करनी पड़ेगी, राइट। आगे चलिए दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स, राइट। दोस्तों शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स में क्या बताया गया है, सप्लाईज एंड सर्विसेज रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट आर जनरली अरेंज्ड बाय कॉन्ट्रैक्टर्स बट दे कैन ऑल्सो बी ऑब्टेंड ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स ऑर्डर बाय CFA ऑन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, जनरली दोस्तों हम कॉन्ट्रैक्ट क्या है एक साल के लिए करते हैं, 12 महीने के लिए, लेकिन दोस्तों उससे कम टाइम के लिए भी क्या है हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो उसको शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों कौन कौन से सर्कमस्टांसेस के अंदर CFA अगर ऑर्डर दे दे तो शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स हो सकता है। ठीक है,
तो दोस्तों कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ये सर्कमस्टांसेस आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये 1, 2, 3 करके सारी स्टेटमेंट्स ट्रू फॉल्स के अंदर ये चीज़ें पूछी जा सकती है। और दोस्तों शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट कम होगा, इन एन एमरजेंसी व्हेन कंक्लूजन ऑफ ए रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट फिजिबल। दोस्तों कोई भी एमरजेंसी आ गई, कोई ऐसे हालात आ गए, आप प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या है, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों क्या है, पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, तो आप एमरजेंसी के अंदर राइट क्या कर लोगे, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट कर लोगे। दूसरा दोस्तों 20 के अंदर बोला गया, व्हेन अन इकोनॉमिकल रेट्स आर टेंडर फॉर रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों अगर कोई भी हाई रेट मान लो टेंडरिंग हो रही है, मुझे 100 रुपये में काम करवाना था, कोई राजी ही नहीं है 100 रुपये में काम करने के लिए, कोई बोल रहा है मैं 150 लूँगा, कोई बोल रहा है मैं 200 लूँगा, कोई बोलेगा मैं 250 लूँगा, ठीक है। तो उस केस के अंदर दोस्तों क्या कर सकता हूँ, एंड देर आर प्राइमा फेसी रीजन्स टू बिलीव दैट देयर इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए रिंग बाय द कॉन्ट्रैक्टर। और दोस्तों ऐसा हो क्यों रहा है, सारे रेट ज़्यादा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 5 टेंडर्स आए थे, 5 कॉन्ट्रैक्टर आए थे, 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों सब ने साठ गांठ कर ली। वो कहते हैं कि आज अब की बार अपने डिफेंस सर्विसेज को चूना लगाते हैं, इनका दोस्तों 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है, सब ने क्या कर ली, टेंडर तो अलग अलग बटा, ओपन टेंडरिंग हुई, लेकिन दोस्तों आपस में इन्होंने साठ गांठ कर ली कि यार अपने 1 करोड़ का काम जो है ना 1.5 करोड़ से नीचे की बोली लगाएंगे ही नहीं, मतलब अपने बोलेंगे कि हम ये काम 1.5 करोड़ में ही करेंगे, ठीक है 1 करोड़ में होगा ही नहीं, राइट। तो उस केस के अंदर अगर दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर ने रिंग बना ली, ठीक है, तो उस केस के अंदर दोस्तों अगर आपको प्राइमा फेसी रीजंस लगते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट कर लो, ठीक है। इनको बोल दो कि भैया तुम घर जाओ, ठीक है, हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है, हम शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से इसको क्या काम को चला लेंगे हम, राइट। तीसरा दोस्तों, एज एन इंटरिम एग्रीमेंट व्हेन फॉर सम रीजन सफिशिएंट टाइम इज नॉट अवेलेबल टू कंक्लूड ए रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और दोस्तों काम को इंटरिम कॉन्ट्रैक्ट करना है, इंटरिम अरेंजमेंट करनी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास दोस्तों क्या सफिशिएंट टाइम नहीं है कि आप एक रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट कर सको, राइट। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दोस्तों टाइम नहीं है, इमरजेंसी की सिचुएशंस हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स ने रिंग बना ली, अन इकोनॉमिकल रेट दोस्तों आ रहे हैं, ठीक है। तो उन सारे केसेस के अंदर आप शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट से कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट चुके हैं आप अनरजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर से भी कर सकते हो। एक दोस्तों रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो क्या होते हैं कि डिफेंस सर्विसेज और दोस्तों PCDCDA के अंदर वो क्या है रजिस्टर्ड हैं, राइट, कि उनका दोस्तों साख बहुत अच्छी है, उनकी दोस्तों क्रेडिटेबिलिटी बहुत अच्छी है मार्केट के अंदर, राइट। तो वो दोस्तों हम रजिस्टर के अंदर उनके एंट्री करके रखते हैं कि हाँ ये बंदे हैं, राइट। कुछ दोस्तों अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, उनसे आप शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट करोगे, ठीक है। और प्री स्क्रूटनी के लिए दोस्तों टेंडर डॉक्यूमेंट PCDCDA को भेजना भी जरूरी नहीं है, शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट के अंदर दोस्तों प्री स्क्रूटनी के अंदर PCDCDA को भी टेंडर डॉक्यूमेंट भेजना जरूरी नहीं है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों मेरा शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट्स। आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लास्ट है हायर लैंड ट्रांसपोर्ट। अब दोस्तों हायर लैंड ट्रांसपोर्ट जो क्या है, इस शब्द का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, राइट। अगर दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए तो कम से कम आपको ये पता हो कि हायर्ड लैंड ट्रांसपोर्ट होता का है क्या है और किन सिचुएशंस के अंदर हम इन चीज़ों को करते हैं, ठीक है। तो हायर का मतलब क्या हो गया दोस्तों, किराए पे लेना। ट्रांसपोर्ट मतलब क्या हो गया, व्हीकल हो गया दोस्त। वैसे तो दोस्तों गवर्नमेंट के पास, डिफेंस सर्विसेज के पास अपने व्हीकल्स हैं, ठीक है। और कोई भी दोस्तों उनको काम करना होगा तो दोस्तों वो रेलवे से पैचअप कर लेगी, राइट। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कौन कौन सी कंडीशन है, 221 नंबर पैरा में दोस्तों बताया गया है, प्रीवियस किताब में 315 नंबर है, व्हेन गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट अवेलेबल टू मीट डिमांड्स। अगर दोस्तों गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है टू मीट डिमांड्स, राइट, और वेयर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड ड्यू टू माइलेज और PUL रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। अगर दोस्तों गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट आप यूज नहीं कर सकते, आपका उनका गाड़ियों का माइलेज कम है, आपका दोस्तों खर्चा ज़्यादा हो रहा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है सिविल गाड़ी से भी, ठीक है। मान लो एक जगह से दूसरी जगह पर आपको 500 किलोमीटर जाना है, ठीक है, सिविल गाड़ी दोस्तों खर्चा ले रही है मान लो 5,000 रुपया, ठीक है, 10 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से। और दोस्तों आपकी जो डिफेंस की गाड़ियाँ हैं उनकी माइलेज इतनी है कि उसमें आपको खर्चा लग जाएगा 20,000 रुपया, ठीक है। तो आप दोस्तों उसके इसके अंदर ये कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली क्या करें, आपको गवर्नमेंट का पैसा बचाना है भले ही आप किसी से भी जाओ, राइट। देन द लोकल स्टेशन कमांडर विल हैव प्लेस डिमांड्स फॉर ट्रांसपोर्ट विद इन द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द हायर्ड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर। तो उस केस के अंदर दोस्तों स्टेशन कमांडर जो होगा वो डिमांड प्लेस करेगा ट्रांसपोर्ट की, कॉन्ट्रैक्ट करके किससे दोस्तों, हायर्ड ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्टर से, राइट। तो इस प्रकार से दोस्तों हायर्ड लैंड ट्रांसपोर्ट का कॉन्सेप्ट काम करता है, राइट। तो ये हुआ दोस्तों मेरे 10 नंबर चैप्टर तक ऑडिट कोड के कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों चैप्टर नंबर 11 से लेकर 100 आगे अपने डिस्कस करेंगे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर रैप करता हूँ, और दोस्तों आज का वीडियो जो था
जो 10 तक पढ़े हैं ये दोस्तों अपने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ही पढ़े हैं। 11 से दोस्तों थोड़ा सा और डिटेल में करने की अपनी कोशिश करेंगे क्योंकि दोस्तों वो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। और दोस्तों 11 से 19 जो चैप्टर हैं, 11 से 21 जो चैप्टर है नई किताब के अंदर, वो दोस्तों उनको भी अपने जल्द से जल्द करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आज का वीडियो दोस्तों ये पर पढ़ता हूँ, वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, कमेंट जरूर से करिए दोस्तों ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ एसएस एग्जाम आप ज्वाइन कर सकते हो, राइट। कम्युनिटी टैब के अंदर दोस्तों क्वेश्चंस में डालता रहता हूँ, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।